प्रयागराज के जसरा ब्लॉक में फर्जी कर्मचारी बने राकेश सिंह, जो कि मानकवार गांव का रहने वाला है। राकेश सिंह जसरा ब्लॉक में सरकारी ऑफिस बनाकर बैठता है और इसकी कई वीडियो वायरल भी हुआ। वायरल खबर दिखाने पर सचिव मनोज प्रजापति तिलमिलाए हुए थे। जब पत्रकार वायरल की रियलिटी चेक करने पत्रकार पुष्पराज सिंह ब्लॉक गए तो राकेश सिंह ब्लॉक में बैठा था, तो पत्रकार ने राकेश सिंह का वीडियो बना रहे थे। इतने में सचिव मनोज प्रजापति आ गया और मोबाइल छीन लिया। जसरा ब्लॉक में फर्जी कर्मचारी राकेश सिंह और सचिव मनोज प्रजापति द्वारा खेला जा रहा भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। ग्रामीणों ने डीएम से सीएम तक इन भ्रष्ट और फर्जी कर्मचारी राकेश सिंह की कर चुके हैं शिकायत, उसके बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। राकेश सिंह पर सचिव मनोज प्रजापति द्वारा कार्रवाई न करके पत्रकार पर फर्जी आरोप लगा रहे हैं और मुकदमा दर्ज करने की भी धमकी दे रहे हैं। राकेश सिंह की कई वीडियो हो चुकी हैं वायरल। खंड विकास अधिकारी जसरा फर्जी कर्मचारी को बचाने का काम कर रहे हैं। जसरा सचिव मनोज प्रजापति ने पत्रकार को धमकी दी कि मेरे भाई सचिवालय में है, हम तुम पर मुकदमा दर्ज करवा देंगे। योगी राज में देश का चौथा स्तंभ भी नहीं है स्वतंत्र और नहीं है सुरक्षित। योगी राज में क्या पत्रकार को सही लिखने की आज़ादी भी नहीं है? अगर पत्रकार भ्रष्ट अधिकारी के भ्रष्टाचार की खबर दिखाने की परमिशन भी लेनी होगी। अरे दादा बंद कर ला, हम बताए थे ना क्या कंडीशन है, कैसे है, साथ में जिसे हैं बुलाए ले हैं काम। आपका राकेश कुमार नाम है, आप ऑफिस में यहाँ बैठे हैं ब्लॉक में, आप किस पद पे हैं? हमारा देखिए कोई पद नहीं है। तो आप सरकारी जो है इसमें ऑफिस में बैठे हैं? नहीं तो किसके आदेश से? जैसे वो बैठते हैं, आए हैं अभी आएंगे, हम बैठे हैं, वो अपना काम करेंगे साथ में है बस, और क्या उनका काम करेंगे कैसे? आप मेन कुर्सी बैठे हैं तो नहीं, किसके आदेश से? नहीं जैसे कुर्सियां लगी भाई, सभी बैठे हैं, जो आ रहा काम करवाने को बैठे हैं। लेकिन आप मेन कुर्सी बैठे हैं? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, जब नहीं है तो बैठ गए, इसे कोई वो नहीं है, वो बैठते हैं अपना। राकेश कुमार जी आप कहाँ से हैं? मनकवार से। आपका कोई पद नहीं है यहाँ पे? ये जो नहीं जो सचिव है, क्या नाम है इनका? मनोज कुमार, इलाहाबाद से आते हैं। आप उनके मतलब सहयोगी हैं, लेकिन राकेश कुमार जी आप मेन कुर्सी बैठकर उन पे काम कर रहे हैं। नहीं, 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 आपको नहीं, उस, नहीं, किसने आपको अधिकार दिया? ऐसा अधिकार हमारा नहीं है। अब देखें आप वीडियो बनाओ, हम बात अलग है, फिलहाल लोग बैठे रहे, कुर्सी नहीं खाली, चार पाँच लोग नहीं, नहीं कभी हम लोग ऐसा नहीं है, वो काम अपना करते हैं, अपना करेंगे। नहीं आप यहाँ जो बैठे हैं तो किसके आदेश से बैठे हैं? मनोज साहब हैं, आए हैं, अभी आ रहे हैं, वहाँ उनके आदेश से बैठे हैं, कार्यक्रम है तो। अरे आदेश उनका नहीं है, साथ में काम करते हैं, सेमरो काम है, बहुत काम है, तमाम काम कई करा लिए तो बस। नहीं कौन सा काम, कौन सा काम? ब्लॉक का काम? ब्लॉक का काम से कुछ नहीं, ब्लॉक का काम आप करवाते हैं? काम करवाते हैं, नरेगा और एक काम लोग का है, उनको आके स्वयं प्रधान जी के माध्यम से। आपका कोई पद है मतलब यहाँ पे ब्लॉक? अरे पद नहीं है, हम तो बताए पद नहीं है। मतलब सचिव साहब के आदेश सही बैठ रहे हैं आप, और किसी का आदेश है आपको? सचिव साहब प्रधान जी मार हैं, प्रधान जी के साथ काम कर रहे थे। कौन प्रधान? मनकवार। क्या नाम है? तो प्रधान से आज क्या मतलब है? मतलब प्रधान तो बहुत सारे, बहुत प्रधान आते हैं पूरे क्षेत्र के, इतने भी होंगे। आप जो है सिर्फ अपने गाँव काम देखते हैं, पूरे गाँव काम देखते हैं? हाँ मैं भी करिए खींचिए। क्या हैं आप? आप क्या हैं? मैं तो पत्रकार हूँ। आप पत्रकार तो आप ब्लैकमेल करने आए यहाँ पर? किस बात का पत्रकार? किस बात का? कहे आप फोटो ले रहे हैं? मेरा काम है, कई बार आप, मेरा काम है, इसलिए मेरा काम है, आप पैसा कौड़ी मांग, मेरा काम है, किस लिए आप पैसा कौड़ी मांग रहे हैं? यहाँ पैसा बिल्कुल प्रूफ है, मेरे असिस्टेंट से आपने क्यों पैसा मांगा? कई प्रूफ है, मैं किसी को भी रखूँ, किस कई प्रूफ है आपके पास? हाँ आपने कई बार मांगा पैसा, आपके पास प्रूफ है? जी हाँ। कहा है प्रूफ? बिल्कुल प्रूफ दिखाओ। जिसका आपने कहा प्रूफ दिखाओ, आपने क्यों निकाला प्रूफ दिखाओ? आप दिखाइए प्रूफ। क्या नाम है आपका बताइए अपना? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पराज सिंह, बताओ। मेरा नाम मनोज कुमार, सेक्रेटरी है, बताइए। सेक्रेटरी है? हाँ बिल्कुल। कहाँ है पैसा लेने का? आप बताओ मुझे। आपने कई लोगों से कहा, मुझे बताओ आपने क्यों निकाला, बताइए आप क्यों निकाले? मेरा काम है, जबरदस्ती निकालेंगे, पैसा दे दिया जाए तो आप ठीक है। क्या बात करते हो? प्रूफ है पास? बिल्कुल नहीं प्रूफ है। हाँ दिखा तो मजा करूंगा। आप दिखाइए, दिखाओ आप किस लिए दिखाओ, आप किस लिए लगा रहे? मैं पत्रकार में करूंगा। अरे मेरा काम है, किस लिए बताओगे? इसलिए। हाँ क्या है यहाँ, क्या है कोई काम कुछ कर रहा है? आप क्या कर रहा है उनसे? काम मतलब भैया, मतलब कैसे यहाँ क्या बात करते हो आप? मैं काम कर रहा हूँ ना,
आप काम कर रहे हो? बिल्कुल मैं काम आप कर तो आप सही हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप बात क्यों किए? क्यों नहीं किया? आप बात क्यों करेंगे? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप एक बार नहीं। मैं पत्रकार हूँ, मैं करूंगा। आप मेरे मेरे मैं पत्रकार हूँ, मैं करूंगा। फिर वही बात, मुझे आप नहीं रोक सकते, नहीं वीडियो आप रोक सकता है। क्या क्या अधिकार है बताइए? क्या अधिकार है? हाँ। आप वहाँ पता करो, लाइए अपना आई कार्ड निकालिए। आप निकालिए, आप दिखाइए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ यार, जो सही बात करिए। आप परिचय पत्र दिखाइए अपना। हाँ परिचय पत्र दिखाइए अपना, निकालिए परिचय पत्र। देखो आप, देखो मेरा निकालिए, पूरा पूरा निकालिए, पूरा पूरा निकालो, पूरा निकालिए। आप वहाँ पता करिए, बराबर ही हो। अच्छा नहीं नहीं, मैं आपसे बड़ा हूँ। आप पूरा हमको जब बता रहे हो जरा, आप पूरा अपना पर्चे पर निकालिए। वापस पता करिए मेरे ना। आप ही सब मैं नहीं जानता, मैं आपको जानता ही नहीं है। दिखा बच्चे बता दूंगा। आप निकालिए, आप दिखाइए, मैं दिखा दूंगा। आप दिखाइए, सकेटी हूँ बताइए। मैं दिखा दिया, आप दिखाइए अपना पर्चे पर। बताइए आप, अपना बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। पुष्पराज सिंह, इधर आइए। हां मत करिए, ऐसा ऐसा करिए। आप पैसा मांगते हो? प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। कांग पत्रकार, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। पैसा इनको चाहिए, प्रूफ दिखाओ। पैसा लगे, प्रूफ दिखाओ। ऐसा काम नहीं चलेगा। बात कर रहा हूँ ना, किस लिए आके यहाँ पर आया। खबर लेने के लिए जब ब्लॉक में पहुंचा तो जैसे ही जो है मनोज प्रजापति जो कि सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि आप किस लिए आए हो, कहाँ से आए हो, कौन हो और क्यों वीडियो बना रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो। बस हमने पूछा कि आप तो मनोज अपना परिचय बताइए, तो बताया। उसके बाद हमारे साथ यह बदता किया, गाली गलौज किया, मोबाइल छीनने का प्रयास किया, करते भी किया। उसके बाद भी जो है वो अभद्रता करते रह गए। इसकी शिकायत आपने कहीं पर की है? मैं उसको यहाँ प्रज्ञापत दिया हूँ। क्या आश्वासन मिला आपको कि इस पर जाँच कर कार्रवाई की जाएगी? आप अपना पर्चे बता दें। उस प्रयास नहीं, इसी ने प्रयागराज जी। अध्यक्ष जी, जो अभी जसरा ब्लॉक में पत्रकार के साथ घटना घटी है, इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या है पूरा मामला? मैं आलोक त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ। पत्रकारों के हित के लिए, पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय के लिए मैं लड़ने के लिए अपने सभी साथियों के साथ तैयार हूँ। हमारे पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है। हम स्थानीय स्तर से शिखर स्तर तक पत्रकारों की लड़ाई के लिए साथ हैं। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां तैयार हूं, और पत्रकार के साथ न्याय दिलाना मेरा परम कर्तव्य है।